महानगर पालिका के सामने आपका ये तीसरी चौथी बार है उपोषण पर बैठना, क्या बात है, आपकी मांगनी क्यों नहीं मान रहे हो? मैं कामगार एकता संगठन का जोन क्रमांक 7 का अध्यक्ष प्रवीण थोरात। हमारे जो मांगने हैं, पिछले बार भी हमने आंदोलन किए और प्रशासन के घनकचरा प्रमुख आए, उन्होंने आश्वासन दिए। अब तक हमारी 12 मांगनी थी, उसमें से एक भी पूरी की नहीं उन्होंने। कचरा आप उठाते हैं गाड़ियों के अंदर, उसमें से जो वेस्टेज है, जो बिकता है, वो आपके लोग अलग करके उसको बेच के उससे भी पैसा बनाते हैं ना। चार चार महीने 120 दिन वेतन नहीं देंगे तो वो बेच के वो उनके घर चला देना। वो अगर दिए नहीं तो वो कैसा करेंगे बेचारे। रेड्डी कंपनी शेयर के अंदर आई थी, जब उसने पैर रखा तो वही दिन उसने बोलना था कि ये चुनो मत तुम, प्लास्टिक वगैरह जो भी निकलता उसके अंदर से काम लेने के पहले सोचना था। अभी काम लिया बोले तो नाश्ता या ना आंगन वाकड़ पगार देने के रही तो बोल रहा है कि ये निकाल रहे वो निकाल रहे। अग्रीमेंट में उसके ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अग्रीमेंट में एक ही लिखा हुआ है इनको किमान वेतन देना करके। अच्छा, आप रेड्डी कंपनी के खिलाफ है क्या, उसके नियमों के खिलाफ? रेड्डी कंपनी ये शेयर के अंदर रहना हमारा खिलाफ नहीं है, पर रेड्डी कंपनी के तरफ काम करने वाले जो वर्कर है उनको जो शासन नियम है अपना महाराष्ट्र शासन का, वो शासन ने जो नियम निकाला वो नियम से इनको वेतन होना, यही कर्मचारी की संगठन की सबकी मांग है। क्या नियम है शासन का, कितनी पेमेंट मिलना चाहिए? शासन का नियम है कुशल कर्मचारी है उसको 14,000 बेसिक, उसका डीए है अभी का 7,070, उसके ऊपर 5% घर भाड़ा है, ये सब मिला के उनको 23,000-24,000 रुपए वाहन चालक को मिलना। उसके नीचे काम करने वाला जो आदमी है समझो किन्नर या अर्धकुशल कर्मचारी है उसको 20,000 मिलना, अकुशल कर्मचारी है उसको 17,000-18,000 मिलना। ये शासन का नियम से इसका जीआर है। तो फिर क्या बात है, कंपनी बाहर की है महाराष्ट्र की नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिर उसकी बात मान रही, तुम महाराष्ट्र की तुम्हारी बात नहीं मान रही? ये देखो उन्होंने ये शेयर के अंदर टेंडर लिया तो अपने महाराष्ट्र में जो नियम है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। मेरा सवाल वही है तो फिर महाराष्ट्र सरकार उनका साथ दे रही, आपका साथ नहीं दे रही, महानगर पालिका आपकी बात नहीं मान रही। शासन ने जीआर निकाला अपना प्रशासन जो महानगर पालिका, महानगर पालिका का जो प्रशासन है इन्होंने उसको फॉलो करने के वास्ते आदेशित करना, खाली टेंडर निकाल के दिया काला कागज करा उससे खत्म नहीं होता काम। आप बोल रहे आदेश देना, वो आदेश दे रहे नहीं, दे लेके कुछ चल रहा है क्या अधिकारियों का रेड्डी कंपनी के साथ? नहीं नहीं, ये कैसा है पता है कि वो जो काम चलता है कर्मचारी का काम कर रहा है, अब उधर अंदर क्या चलता है हम कैसे क्या बता सकते। अब हम यहाँ बैठे हुए अंदर क्या दिखेंगे हमारे को, ऐसे क्या चल रहा है। और हमारा कहना है कि हमारे को केमान वेतन दर होना, इसके अलावा जो दूसरे जो कर्मचारी तुम बार बार आश्वासन में आ जाते, वो आश्वासन देते, अब इस बार क्या है फिर से आश्वासन में आने वाले का पूरा होने तक उठेंगे? पहले भी उन्होंने लेखी पत्र दिया था, वही मेरा बोलना है। अभी ये देखो अपना देश अपना
जग ये भरोसे के ऊपर चलता है। अगर तुमने बोला कि भाई मैं तुम्हारे को ये वेतन दूंगा तो आदमी भरोसा रखेंगे ना, अगर ये भरोसा अगर उड़ गया तो खत्म हो जाएगा ये। तो आपका कब तक भरोसा रहने वाला है? हमारा भरोसा खत्म होगा करके तो हमने उपोषण लगाया डबल, हमने उठेंगे जब तक काम। हम अगर हमारे को यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम 100% हाईकोर्ट में जाने वाले। आपका पूरा नाम बताइए। कामगार एकता संगठन अध्यक्ष, और इनके साथ जो दूसरे कर्मचारी है, ड्रेनेज कर्मचारी है, पवरनी कर्मचारी है, माड़ी कामगार है, सिड़कोकालीन साफ सफाई कामगार है, पानी पुरवठा कर्मचारी है, अग्निशामक दल के कर्मचारी है, अत्यावश्यक सेवा में काम करनारे वाहन चालक है, अग्निशामक दल के वाहन चालक है, घंटा गाड़ी कामगार के वाहन चालक जितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है सब है समझे इसके अंदर। अभी फिलहाल महानगर पालिका कंत्राटी कर्मचारी के ऊपर चालू है, अधिकारी साहब के तक गाड़िया जितने भी अधिकारी महानगर पालिका के अंदर बैठे है 99% अधिकारी की गाड़िया कंत्राटी वाहन चालक महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट पे है समझो। अभी ये बोल सकते पूरी टोटल कंत्राट के ऊपर है। आपका नाम और वो जो लोग है वो लोग उनको बोलते खाली खाजगीकरण है, खाजगीकरण के नाम से ये लोग को दबा रहे है, इनके ऊपर अन्याय कर रहे है, इनके ऊपर दबाव डाल के काम ले रहे है। और ये भी बोल रहे है अभी एक अपने मार्केट में एक छुट्टा निकाला उन्होंने कि लोग उपोषण को बैठे कि तुम्हारे को काम पे से निकालेंगे, अरे उनका हाथ भी नहीं दे रहे और बोलते ऊपर से तुम्हारे को काम पे से निकाल लेंगे। ये कौन सा कानून है? इन्होंने घर पे कानून बनाया, जेब में से निकालने का बताने का बाहर। तुम लोगों को रोजी रोटी दे रहे है क्या? उनका हक बोले तो छीन ले रहे है, ये कौन सा कानून है? अभी जो नए कमिश्नर आए हम उनका स्वागत करते हैं, साहब आ गए नए, हमारे को अपेक्षा है नए साहब आए, उन्होंने तभी हमारा जो कहना है वो उन्होंने हमारा कहना उन्होंने कर देना, और जो गौर गरीब दलित बागत वर्गीय जो कर्मचारी है उनको न्याय मिलना यही हमारे कमिश्नर साहब से मांग है। आपका पोस्ट और नाम बताओ, आपका नाम और पोस्ट बोलिए। हमारे संगठन में मेरा नाम भास्कर आड़वे, कामगार एकता संगठन अध्यक्ष है, हमारे उपाध्यक्ष है हकीम भाई, हमारे जोन के अध्यक्ष है परवीन थोरात, जयेश नरोड़े, शिवा नागरबोजे, और यहाँ बहुत से प्रमुख कार्यकर्ते अजय जांडरा, उपोषण को बैठने वाले अशोक मुद्दल, भीमराव निले, अजय चव्हाण भुले, ये सब लोग यहाँ उपोषण को 3 दिन से बैठे हुए हैं। अभी 3रा दिन निकल रहा है, अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी हमारे तक आया नहीं। जैसा हमने ये शहर के अंदर डाका डाले हुआ है और हम यहाँ चोर जैसे बैठे हुए हैं, और यहाँ डाकू है और डाकू के पास कोई आरा नहीं। हम ईमानी ईमानदारी से काम करने वाले पसीना बहने वाले लोग हैं, और ये लोगों का ये शहर के अंदर ये प्रशासन महानगर पालिका उनको न्याय नहीं दे रही। आपने अभी बीच में काम बंद आंदोलन किया था, काम बंद आंदोलन अभी करके बहुत दिन हो गए, उसके बाद हमने अमरण उपोषण, उसके बाद में अमरण उपोषण, सुनो ना, पहले काम बंद आंदोलन, फिर अमरण उपोषण, फिर अभी एक बार और अमरण उपोषण। तो मतलब ये उनो मल्लम लगा रहे तुम मार रहे, फिर तुम मल्लम लगा रहे उन्हों मार रहे, ये चूहा बिल्ली का खेल कब तक चलेगा? अभी पहले काम बंद आंदोलन कर रहे थे, अपने शहर के जो सम्माननीय है आमदार साहब अभी विरोधी पक्ष के नेता है, उन्होंने बताया था कि भाई अभी ये पेमेंट ले लो, अभी तुम्हारे को थोड़े दिन के अंदर और तुम्हारी पगार बढ़ाएंगे, अगर उसके बाद में पगार बढ़ाए नहीं तो फिर हमने अमरण उपोषण करे। आप अंबादास दानवी की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बोले थे कुछ दिन के बाद और पगार बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कुछ दिन के बाद बोले तो पगार बढ़ गई नहीं, तो हमने अमरण उपोषण करे। अमरण उपोषण करे जब हमारे को इतिवर्त दिए, इतिवर्त के अंदर सब बोले तुम्हारी जो मांग है हम पूरी करेंगे, अगर वो उपोषण के अंदर उपोषण करके अभी कम से कम 6 महीने हो गए,
और अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी डबल हमने आमरण उपोषण, जब आपने उनकी बात माने थे वो सरकार में थे, अब वो विरोधी पक्ष में है, तो अभी आप उनको ब्लेम करेंगे या नहीं करेंगे? क्या मतलब, सरकार तो चले गई उनकी, अब क्या है आगे? ये देखो विरोधी पक्ष भी है तो विरोधी पक्ष को भी बहुत बड़ी ताकत रहती है। हमारा जो हक है उनके पास अभी और जाके हम हमारा हक मांगेंगे, और हमारे को आशा है कि वो महाराष्ट्र सरकार से हमारा जो हम जो हमारी जो मांग है कि वो पूरी करेंगे, हमारे ऐसी आशा। अभी फिर से एक बार अंबादास दानवे से मुलाकात करेंगे क्या? अब नहीं करेंगे, अब उम्मीद छोड़ दिया उनसे? उम्मीद है उनसे, शहर के आमदार है, उम्मीद है उनसे आपको? हाँ? उम्मीद है काम करेंगे आपका वो दोबारा? तो मैंने तो पहले बताया तुम्हारे को, आदमी आज के ऊपर जी रहा है और भरोसे के ऊपर जी रहा है। अगर भरोसा उड़ गया तो ये देश खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। हमारा वैसा ये नहीं है, कल का महानगर पालिका का वर्धापन दिन है, हमने उपोषण लगा कि 3 दिन हो गए, कल का 14th दिन है। अगर हमारे मांग के तरफ अगर उन्होंने दुर्लक्ष करा यानी आज शाम तक अगर हमारा निकल नहीं लगा तो हम कल काले झंडे लगा बता के हम निदर्शन करेंगे, काम बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे? करेंगे नहीं, वो तो है, आगे चल के काम बंद आंदोलन करेंगे, काम करके निदर्शन करेंगे। हाँ। और इसके बाद में हाईकोर्ट में जाएंगे। काम बंद नहीं होगा, मतलब काम बंद नहीं होगा।